हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। वी आर फर्स्ट ईयर। अनुशासन और डिसिप्लिन समझ, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट के अंतर्गत, जैसे कि हम लगातार देख रहे हैं विद्यालय पाठ्यक्रम में ज्ञान शासन केंद्रित ज्ञान की भूमिका, तो उसी में हम देख रहे थे ज्ञान के प्रकार, जिसमें हमने सामान्य ज्ञान के विषय में विस्तृत वर्णन देख लिया, समझ लिया। अब हम देखेंगे ज्ञान के विशेष प्रकार। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ज्ञान पर चलिए, मैं तो ज्ञान पर प्रकाश डाल लेते हैं। ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, नॉलेज इज द हाईएस्ट वर्च्यू, यानी कि जो ज्ञान है सर्वश्रेष्ठ सद्गुण कहा जाता है। ज्ञान को वस्तु का ज्ञान भी माना जाता है, नॉलेज इज द नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट, या ज्ञान को आदर्श का ज्ञान भी माना जाता है, नॉलेज द नॉलेज ऑफ आइडियाज। इस विषय में प्रोफेसर अखिल ने लिखा है, ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, नॉलेज इज दैट विच एनलाइटेंस ऑफ ह्यूमन माइंड, यानी कि ज्ञान हमारे मन की आंखें खोलता है, ज्ञान का अंधविश्वासों को दूर करता है। और इसी विषय में विलियम जेम्स लिखते हैं कि ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है, नॉलेज इज एंड अदर नेम फॉर प्रैक्टिकल अचीवमेंट एंड सक्सेस। तो इसी के आधार पर हम देखेंगे ज्ञान की विशेष प्रकारों के विषय में, ज्ञान के स्रोतों के आधार पर ही ज्ञान के विशेष प्रकारों को लिया गया है। ज्ञान के विशेष प्रकारों को हम कुछ रूपों में देख सकते हैं, जो एक एक करके अभी देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इसके अंतर्गत एम्पिरिकल नॉलेज, अर्थात इंद्रिक ज्ञान। जैसा कि कहा भी गया है कि इंद्रियां ज्ञान की द्वार हैं, सेंस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। यह ज्ञान मनुष्य का सबसे प्रारंभिक और महत्वपूर्ण ज्ञान है। यह ज्ञान इंद्रियों के अनुभव से संबंधित है। इसे व्यक्ति अपनी इंद्रियों, जो पांच इंद्रियां हैं, की संवेदनाओं से प्राप्त करता है। ये ज्ञान अनुभवों, निरीक्षणों, अवलोकनों पर आधारित है। लॉक ने इसे संवेदनशील ज्ञान कहा है। वस्तुओं के अस्तित्व को हम अपने संवेगों से महसूस करते हैं, परंतु उतना निश्चित नहीं है जितना कि अंतःप्रज्ञा या तर्क के आधार पर निगमन, परंतु इसमें भी एक विश्वास होता है जिसके आधार पर हम ये ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान या फिर मन की पांच इंद्रियां, आंख, कान, नाक, त्वचा तथा जीभ, उस रंग, ध्वनि, गंध, ताप तथा रस का ज्ञान देती हैं, जिन्हें इंद्रिया अनुभव कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे तार्किक ज्ञान, यानी कि रीजनिंग नॉलेज तर्क ज्ञान का स्रोत है। तर्क में बुद्धि का सहारा लेकर अनुमान लगाया जाता है तथा इस क्रिया से ज्ञान प्राप्त होता है। बुद्धि का कार्य कल्पना करना, सोचना, विचार करना तथा तर्क देना है। तर्क मानसिक तथा बौद्धिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से मनुष्य अपना कोई भी मत बनाता है या किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए तर्क के अंतर्गत दो विधियां हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, निगमनात्मक तथा आगमनात्मक। आगमन विधि के अंतर्गत अनेक उदाहरणों के अनुभव की सहायता से सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन किया जाता है और सामान्यीकरण तथ्य का रूप धारण कर लेता है। आगमन विधि को एग्रियोल विधि भी कहते हैं, जिसमें उदाहरणों की सहायता से नियम की तरफ बढ़ते हैं। जैसे एक बच्चा सड़क के बीच बीच जा रहा था, बस वाले ने उसे जो है बस के नीचे आ गया यानी कुचल दिया, क्योंकि सड़क के बीच में हमें नहीं चलना चाहिए। ये यातायात के नियम के विरुद्ध है। इसमें पहले उदाहरण दिया गया या वापिस यातायात का नियम समझाया गया। निगमन विधि आगमन विधि से विपरीत है। इसे जो है रूले विधि भी कहते हैं, जिसमें नियम यानी कि रूल पहले से बताया जाता है, समझाया जाता है व उदाहरण बाद में दिए जाते हैं। जैसे यातायात के नियम इस प्रकार से हैं, हमें सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए, हमें सड़क के चौराहे पर लाल बत्ती होने पर रुक जाना चाहिए। यातायात के नियम समझाने के बाद
जो उपयुक्त निगमन विधि में उदाहरण इस प्रकार दिए जा सकते हैं, यदि यातायात के ऊपर दिए गए नियमों का पालन नहीं करोगे तो दुर्घटना का शिकार हो सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे साइंटिफिक नॉलेज यानी कि वैज्ञानिक ज्ञान। यह जो ज्ञान है विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए होता है और इस ज्ञान को प्रयोगशालाओं में प्रयोग करके और निरीक्षणों के द्वारा प्राप्त करते हैं। इस ज्ञान के परिणामों की पुष्टि अन्य मनुष्यों वैज्ञानिकों व विशेषज्ञों द्वारा किए गए परीक्षणों से की जा सकती है। इस ज्ञान को सक्षम बनाने हेतु एंद्रिय ज्ञान व तार्किक ज्ञान का सहयोग लेना पड़ता है। ये वैज्ञानिक विषयों हेतु महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रियात्मक ज्ञान प्राग्मेटिक नॉलेज। ये ज्ञान है जॉन डीवी के विचारवाद पर आधारित है। यह जॉन डीवी के प्रयोजनवाद पर आधारित है। प्रयोजनवाद को अर्थ क्रियावाद भी कहते हैं। इसके ऊपर इसके अनुसार विचार और विश्वास जीवन के उपकरण हैं। ये व्यक्ति की इच्छाओं को संतुष्टि के साधन है। ये कार्य को योजनाओं में सहायक है यानी कि जो भी कार्य होते हैं योजनाओं को सफल बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। ये ज्ञान व्यक्ति के अनुभव प्रयोग निरीक्षण के आधार पर होता है और ये व्यक्तिगत भी होता है। इसके साथ यह ज्ञान व्यक्ति के सामंजस्य में सहायक होता है। क्रियात्मक ज्ञान वह ज्ञान होता है जो व्यक्ति के अनुभव प्रयोग परीक्षण के आधार पर किया जाता है और ये ज्ञान लाभदायक व उपयोगी भी होता है। बार बार परीक्षण किए जाने का ही रिजल्ट वही आता है तो समझ जाता है कि वह कार्य सत्य है, इसमें सत्यता समाहित है। अगर बार बार जो उसका जो रिजल्ट आता है चेंज आता है तो वो उसका आधार सत्य नहीं माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान इंट्यूटिव नॉलेज। अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान पांच इंद्रियों के अनुभव से परे का ज्ञान है, इसलिए इस अनुभव को मनुष्य की छठी इंद्रिय से भी जोड़ दिया जाता है। संपूर्णता का बोध तथा उसकी अनुमति का नाम अंतःक्रिया है। इसको भाषा के माध्यम से अव्यक्त करने में कठिनाई या परेशानी का सामना करना पड़ता है आती है। इसमें ज्ञाता तथा ज्ञेय दो नहीं होते। इस अनुमति में ज्ञाता ज्ञेय में लीन हो जाता है। अतः शब्द का अर्थ है आंतरिक तथा अंता जो शब्द है उसका अर्थ है आंतरिक अथवा प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धि। इस प्रकार अंता प्रज्ञा का अर्थ है जिसके द्वारा वह उचित और अनुचित शुभ तथा अशुभ सही तथा गलत का ज्ञान प्राप्त करता है। हम वास्तविक जीवन में कई बार देखते हैं कि कुछ व्यक्तियों को निकट भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होता है। हमें कई बार ये महसूस होने लगता है कि हमारे साथ कुछ अच्छा अथवा बुरा घटित होने वाला है। यह पूर्वाभास अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान ही है। ये आत्मतत्व की तरह है क्योंकि आत्मा भी सर्वत्र रहती है, ये मरती नहीं है। यह ज्ञान सार्वभौमिक भी है। इस ज्ञान का कोई वैज्ञानिक प्रमाण प्राप्त नहीं है। व्यक्तियों और विशेषज्ञों के व्यक्तिगत अनुभव ही इसके एक तरह से प्रमाण कहे जाते हैं। सिक्स पॉइंट में हम देखेंगे आत्मवर्णनात्मक अथवा अधिकारात्मक ज्ञान टेस्टिमनी और ऑथोरिटेटिव नॉलेज। इसके अंतर्गत कहा जा सकता है कि आप शब्द का अर्थ है विश्वसनीय या प्रमाणित। इस प्रकार आत्मवचनात्मक ज्ञान वह ज्ञान है जिसमें हम उन व्यक्तियों के कथनों लिखित विचारों वैज्ञानिकों की खोजों के तथ्यों व अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों के विचारों द्वारा प्राप्त जानकारी ही अटल ज्ञान है। इसके अंतर्गत ज्ञान का अधिकतर भाग ना तो तर्क पर आधारित होता है और ना ही बोध पर आधारित होता है। हम कुछ सिद्धांतों के आधार पर ज्ञान प्राप्त करते हैं जो स्थायी अवरोधी तथा सार्वभौमिक होते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, कोई भी वस्तु ऊपर उछाली जाने पर वापस पृथ्वी पर गिरती है। हम उन्हें पुस्तकों में पढ़ते और कुछ ज्ञान हमें अध्यापकों द्वारा बताया जाता है। इस प्रकार का ज्ञान किसी न किसी अधिकारी द्वारा भी दिया जा सकता है, इसलिए इसे अधिकारात्मक ज्ञान भी कहा जाता है।
इतिहास, विज्ञान, भूगोल तथा अन्य सभी पुस्तकों में दी गई सामग्री आप वचनात्मक ज्ञान के ही एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। आजकल दी जाने वाली शिक्षा का आधार आप वचनात्मक ज्ञान ही होता है। यह ज्ञान दूसरे के वचनों पर विश्वास करके व पुस्तकों में लिखी बातों को पढ़कर प्राप्त किया जाता है। तो आज हमने देखा ज्ञान के विशेष प्रकारों के विषय में, जो थे जिसके अंतर्गत पहला पॉइंट था आत्मवचनात्मक या फिर अधिकारात्मक ज्ञान, दूसरा था ऐन्द्रिक ज्ञान, तीसरा था तार्किक ज्ञान, चौथा था वैज्ञानिक ज्ञान, क्रियात्मक ज्ञान, अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान तथा इनके विषय में सामान्य रूप में कह सकते हैं कि जो ऐन्द्रिक ज्ञान बताया गया था वे इंद्रियों से संबंधित था। जो पांच इंद्रियां हैं वे ज्ञान प्राप्त करती हैं, निरीक्षण करती हैं, अवलोकन करती हैं, तब हमें ज्ञान प्राप्त करता है प्राप्त होता है। लोग ने इसे संवेदनशील ज्ञान कहा है। दूसरा था तार्किक ज्ञान, इसमें तर्क के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है, क्योंकि कोई भी मन में बात आती है तब मानसिक तथा बौद्धिक प्रक्रिया एक तरह से चलती है और तर्क होता है कि क्या कारण है। इसे दो वर्गों में विभाजित करके प्रयोग किया जाता है, आगमन और निगमन, जिसमें निगमन में जो है क्या किया जाता है, आगमन विधि के अंतर्गत अनेक उदाहरण भी की सहायता से सामान्यकरण किया जाता है तथा निगमन में पहले एक तरह से सिद्धांत बताया जाता है और उसमें उदाहरण के रूप में जो आगमन में उदाहरण बताया जाता है उसका एग्जाम्पल ऐसे दिया जा सकता है जैसे कि बालक सड़क पर दौड़ रहा था, बीचों बीच चल रहा था और दुर्घटना घटित हो गई। इससे क्या है, बालकों को पता चला कि शायद दुर्घटना हो जाती है और फिर उसके बाद नियम बताया गया कि हमें सदैव बाई ओर चलना चाहिए। तो ऐसे ही जो निगमन था उसमें क्या है, पहले नियम बताया गया कि हमें सड़क के बाई ओर चलना चाहिए, सड़क पर लाल बत्ती चलने पर रुक जाना चाहिए, यातायात के नियम समझने चाहिए। तो उसके बाद अगर ये नियमों का पालन नहीं करेंगे तो दुर्घटना घटित हो सकती है, निगमन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट था हमारा वैज्ञानिक ज्ञान, जो परीक्षणों के आधार पर किया जाता है, वैज्ञानिक करते हैं वे वैज्ञानिक ज्ञान होता है। क्रियात्मक ज्ञान ये जॉन डीवी के द्वारा या उनके विचार पर आधारित है और इसमें जो है व्यक्ति की इच्छाओं की संतुष्टि का एक तरह से साधन है। इसमें विचार जो आते हैं उसके अनुसार कार्य किया जाता है। अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान, ये जो हमारी पांच इंद्रियां हैं उन्हीं के अनुभवों से परे ज्ञान है, इसलिए अनुभव को मनुष्य की छठी इंद्रिय से भी जोड़ दिया जाता है। इसमें कई बार ये है कि मनुष्य अनुमान लगा लेता है कि क्या कुछ घटना घटित होने वाली है, मेरे साथ अच्छा होने वाला है तो बुरा होने वाला है, ये इसी के अंतर्गत आता है। तथा लास्ट में हमने देखा था आप रचनात्मक या अधिकारात्मक ज्ञान, यह विश्वसनीय प्रमाणिक ज्ञान है, यानी कि जो भी आपको वाक्य या वचन बोले जाते हैं उनका विश्वास किया जाना चाहिए। शिक्षा जो अध्यापकों द्वारा दी जाती है आपको वाक्य के रूप में ही दी जाती है, बालक उस पर विश्वास करते हैं और उसे ग्रहण करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।